জিএসটি চাপে সাধারণ মানুষ ভারাক্রান্ত, সে বিষয়টি বারে বারে উঠে এসেছে। বিনোদন করের বোধ হয় বিধ্বস্ত, এবার তা কমানোর কিছুটা স্বস্তি নিশ্চয় করছে। মুম্বাইতে ক্রিসমাস পার্টিতে এসে জানালেন সুনীল শেট্টি। অন্যদিকে ক্রিসমাসের মধ্যে থাকা সুনীল বলেন, বিদেশি সেলিব্রেশনের মধ্যে মুম্বাইতে এবছরের অনুষ্ঠান এক जीएसटी के लिए तो फटाके फूट रहे हैं। हाँ तो खुद, अरे इसीलिए तो फटाके फूट रहे हैं अभी। 28 से अगर 18 तक आए हुए हैं, हम तो चाहेंगे कि 10 तक पहुंच जाए, लेकिन वो लालच तो हमेशा रहेगी ही ना, क्योंकि हम एंटरटेन करते हैं लोगों को, और जितना कम हम पे भार रहेगा उतनी ज़्यादा एंटरटेन होगी। लोगों को यही लगता है कि हर फिल्म चलती है, वैसे होता नहीं है, तो जितनी कम जीएसटी होगी तो हम दुनिया के फिल्मों के साथ टक्कर ले सकेंगे। इसमें आई थिंक खुशी की बात बहुत ही, खास करके जब हम लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तो क्रिसमस और न्यू ईयर के वक्त ऐसा माहौल देखते हैं, लाइट्स, हमेशा सोचते हैं कि हमारे वहाँ ऐसे क्यों लाइट्स नहीं होता बाकी फेस्टिवल्स में भी। पर आई थिंक ये एक मौका है, आशीष जी ने जो काम किया हुआ है और पब्लिक के हाथों में ये दिया हुआ है। आई थिंक बैंड्रा की पब्लिक हमेशा, आप देखेंगे तो बैंड स्टैंड इधर उधर जो भी गार्डन से हमेशा संभालते आए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि ये भी एक ऐसा देन है उनका जो वो संभालेंगे, होना भी चाहिए। सीलिंग के आने के बाद आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं अगर दैट्स द क्वींस नेकलेस, वी कैन कॉल दिस द प्रिंसेसेस नेकलेस। मुंबई से अमरनाथ रिपोर्ट, एएनएम न्यूज। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।